सहारनपुर थाना देवबंद पुलिस ने रात्रि में डकैती डालने वाले गैंग के चार साथी डकैतों को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहा कारतूस और डकैती में लूटा गया माल किया बरामद। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान लेते हुए समस्त थाना प्रभारियों को घटना की समस्त अनावरण और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण थाना देवबंद प्रभारी के कुशल नेतृत्व में टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 27/5/2023 को रात्रि में मंगलौर रोड चौकी बॉर्डर थाना झबरेड़ा उत्तराखंड के बॉर्डर पर नाले के पास से डकैती में लूट गए सारे सामान का हिस्सा बांटते हुए पुलिस मुठभेड़ में चार वांछित अभियुक्त गण इमरान पुत्र रजाक, शौद उर्फ सोनू पुत्र इकबाल, माता पुत्र अब्बास, सोएब पुत्र नौशाद को अवैध असलाह कारतूस और डकैती में लूटे गए सामान, सोने चांदी की जेवरात, नकदी, LED इन्वर्टर, गैस सिलेंडर व घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। इनका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। ये एक गैंग है जो कि मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के अभियुक्तों का है और ये अभी तक पिछले 1.5 महीने में इन्होंने मेरठ में 1, मुजफ्फरनगर में 2, शामली में 2 और सहारनपुर में 2 लूट व डकैती की घटनाओं का अंजाम दिया है। और इसमें पूर्व में इनके 2 साथी हैं, वो पूर्व से पुलिस ने जेल भेजे थे और ये जो कल एक अभियुक्त था कुर्बान, वो पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ था। उन्हीं के पूछताछ में इन लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें कि आज ये अभियुक्त पकड़े गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से भारी मात्रा में सोने और चांदी के गहने बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में शस्त्र बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने करीब 1.5 महीने पूर्व इमरान नामक जो युवक है, इसमें वो इसका मास्टरमाइंड है, उसने झबरेड़ा जो कि रुड़की में पड़ता है वहाँ पर इन्होंने एक कमरा किराए पे लिया और उसको अपना बेस बनाया। उद्देश्य यह था कि क्योंकि वो प्रदेश उत्तर प्रदेश से बाहर था, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस इनका पीछा नहीं कर पाएगी, ये सोच के इन्होंने वो वहाँ पर कमरा लिया और वहाँ पर ये लोग रहने लगे। वहाँ से घटना करने के लिए निकलते रात में और जहाँ इनके जानकारी के लोग हैं वहाँ से मुखबिरी करने के पश्चात ये घर तय करते थे। घर तय करने के बाद ये बाहर के जंगलों में या कोई ईदगाह या मदरसा, जहाँ भी कोई निशाना होता था वहाँ पर ये इकट्ठा होते थे और वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ये जंगल से अपनी मोटरसाइकिलें वहीं पर छोड़ते और ये घरों के आसपास जाके वहाँ डकैती करते थे। इसमें इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये जाकर वहाँ पर किसी भी व्यक्ति जो बाहर सो रहा होता उसको पूछते थे खाने के लिए, और खाने पर पूछने पर वो उद्देश्य यह था कि कोई व्यक्ति डर के मारे ना उठे, बल्कि ये अपना ये बताते थे कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए और मैं भटक रहा हूँ। इस पर जो व्यक्ति उठ के खाने के लिए इनको ले जाता था तो खाने पर ले जाने के दौरान ये उसको बंधक बना लेते और फिर धीरे घर में जो भी अन्य लोग थे उनको भी बंधक बना लेते और फिर घर में ये चोरी चकारी लूटपाट करते थे। ये इनके ऊपर पुलिस काफ़ी समय से निगाह रखी हुई थी। ये चारों पांचों अभियुक्त जो पकड़े गए हैं ये इनामी अभियुक्त हैं और इन चारों पर 25,000 का इनाम भी है। इनसे भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ है। पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 से अधिक घटनाएँ पूर्व में कारित की हैं और इसमें एक अभियुक्त अभी इनके गैंग का फरार है और उसकी भी तलाश की जा रही है और 2 अन्य घटनाओं में लोग सामने आए हैं, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी कार्रवाई कर उनको भी सलाखों के पीछे। तो झबरेड़ा में इन्होंने कमरा लिया है, ये घटना करने के लिए वहाँ से निकलते थे और घटना करने के बाद सभी लोग अलग अलग दिशाओं से वहीं कमरे में पहुँचते थे जहाँ पर कि ये अपना सामान का वितरण करते थे। जो इन्होंने घरेलू सामान भी कुछ चोरी किया था, जैसे कि गैस सिलेंडर चोरी किया इन्होंने मेरठ से, इन्वर्टर चोरी किया देवबंद से, LED TV चोरी किया था इन्होंने, लूटा था थाना भवन से, वो भी ले जाकर इन्होंने वहाँ कमरे में रखा और उसको कमरे में इस्तेमाल करने लगे अपने। तो वहाँ से पुलिस ने जब सूचना मिली तो इनके पीछे पुलिस लगी थी और इस पर ये घटना का अनावरण किया और इनसे जो अन्य साथी फरार हैं उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाए। जो इनके पास से 2 मस्कट, 2 तमंचे और 10 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं, उनकी इन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया है जिनके संपर्क में थे, जिनसे इन्होंने खरीदारी की है। पुलिस टीमें उनके पीछे लगी हैं और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।